तो हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हुए और एक नए ब्लॉग के संग में फिर आ गया हूँ आपका अपना भाई जीशान अली। और जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं दरगाह, इस टाइम मैं आ गया हूँ फिर नैनीताल की दरगाह में, मजार शरीफ में। और यहाँ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो मैंने जैसे पहले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर गुम्बद का तामीर का काम चल रहा है और यहाँ पर काफ़ी कमेटी के लोग लगे हुए हैं, दिल से लगे हुए हैं, इनके जज्बे को सलाम है। और एक बार मैं फिर यहाँ आया हूँ, अब मैं आपको उन लोगों से मिलाने जा रहा हूँ, रूबरू कराने जा रहा हूँ और गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि आप लोग मुझे बताइएगा कि इनके काम को क्या कहा जाए। इनके काम को तो दिल से वैसे सलाम ही है और मैंने सोचा कि ना आज संडे का दिन है और यहाँ काम चल रहा है तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और अब उनसे मिलाने जा रहा हूँ लोगों से। तो चलिए चलते हैं उनकी ओर को। तो जैसा आप ये देख सकते हैं, ये कमेटी के मेम्बरान हैं और सरपरस्त भी इसमें हैं। तो अभी उनसे मैं आप रूबरू कराऊंगा और ये लोग इनके जो ये काम कर रहे हैं इनको दिल से सलाम है, इनके जज्बे को सलाम है कि ये मेहनत कर रहे हैं और लगन से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं मेहनत। तो ये पूरे कमेटी के ये लोग हैं और इन्हीं के अंडर में ये मजार शरीफ आप देख रहे हैं, इसका तामीर काम अभी चल रहा है और लगभग जो आधा तो इसका हो गया, आधा इसका होना बाकी है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहले जो हमारा जो सामान आता है वो गेट आप सामने देख रहे होंगे, हरा रेड कलर का गेट है, वहाँ पर ये सामान उतरता है सारा। फिर वहाँ पर ये सब लोग, ये छोटे बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, सब हैं इसमें, ये सब अपने कंधों में सामान लाते हैं और यहाँ रखते हैं। अब आप देख सकते हैं ये पूरी चढ़ाई है और ये लोग काफ़ी थक भी जाते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ ये वीडियो जा रही है, तो आप कॉमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनके जज्बे को आप क्या कहना चाहेंगे। इसमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, सब हैं और सब दिल से लगे हुए हैं। ये नहीं कि कोई कैसा लगाया, कोई कैसा लगाया। तो अब मैं एक दो यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला हूँ और इनसे पूछने वाला हूँ कि आप यहाँ कब से लगे हैं और कब से यहाँ काम चल रहा है। तो इनसे मैं आपको रूबरू कर रहा हूँ। जो ये मजार शरीफ है, इसके गद्दे नशीन हैं और काफ़ी ये पहली मतलब वीडियो में ये मेरी पहली बार ही आए हैं जैसा आप देख रहे हैं। तो पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए मेरे व्यूवर्स को, आपका क्या नाम है? अब्दुल हमीद आपका नाम है। और जो आपने ये गद्दी संभाली तकरीबन किसको कितने साल हो गए संभाले में? अच्छा, 35-40 साल हो गए हैं। और जो तकरीबन यहाँ काम चल रहा है ये कितने दिनों से चल रहा है? अच्छा, का मतलब इसको हो गए हैं 15-20 दिन हो गए या महीने हो गए? अच्छा, तो ये जो काम जो करा रहे हैं ये सरकार करा रही है या आप लोगों के जरिए से हो रहा है ये काम? पैसा भी लगा हुआ है इसमें कुछ जी, कुछ लोगों ने आपस में भी करके इसको बनाने की कोशिश करी है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि मतलब यह है कि कुछ मदद सरकार की तरफ से और हो जाए। अच्छा, और जो आप देना चाहें वो अपनी तरफ से दे सकते हैं? चाहें वो अपनी तरफ से दे सकते हैं जी। तो जैसा आप देख रहे हैं ये हमारे कमेटी के सरपरस्त हैं और इनकी निगरानी में ही काम सारे होते हैं, इनसे पूछा जाता है फिर उस काम को अंजाम दिया जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो इसको ये यहाँ जो उरस होता है तकरीबन कितने सालों से होता है? अच्छा, जब से आपने होश संभाला तब से, उससे पहले से भी हो रहा है? उससे पहले से होता है। तो इसमें पहले या आप में कोई रद्दबदल हुई है या नहीं हुई है? अच्छा, तो आप इसमें कुछ रद्दबदल कुछ देखना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर से जो ये वीडियो को देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे, मतलब ये जल्दी से बन जाए, ये जल्दी से जल्दी दरगाह बन जाए। जी जी, चलिए, आपका मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको दूसरे सरपरस्त में मिला रहा हूँ। तो पहले आप मेरे चैनल में जो मेरे व्यूअर से देख रहे हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हारून रशीद है। अच्छा, तो ये जो मजार शरीफ है तकरीबन कितने सालों से है? तकरीबन 100 साल का इसका है, दूसरा जो है जी 100 साल पुराना है। इसको जो है गोसन गोहर कमेटी जो है जी, उसके तत्वाधान में जो है ये इसके सरपरस्त में ये बनाया जा रहा है। और जिनका ये मजार शरीफ है, आपका नाम जो है काफ़ी जो काम काजी साहब है, जिनका ये मजार शरीफ है, आपका नाम ही ग्रामी जो है, जो आपकी जहरुल इस्लाम साहब कादरी है। और ये सुनने में ये भी था कि जो इनका था पेशा जो था, ये ब्रिटिश टाइम में अंग्रेज़ों के टाइम में उसमें फौज में शायद मेजर भी रहे हैं आप जी। और आपके कुनबे का या ख़ानदान के जो और लोग हैं
कुछ लोग पंजाब जालंधर में हैं और कुछ लोग जो हैं इनके घर वाले जो खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं वो पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन इनका जो उर्स वगैरह जो होता है ये गुलशन घर कमेटी के इंतजाम ज़रा इंतज़ाम में होता है। और ये जो है चांद की 27, 28, 29 तारीख को, 11वीं की चांद की 28, 29 तारीख को ये किया जाता है। और 29 तारीख को इसमें शाम को असर मगरिब में चादर भी चढ़ाई जाती है और सुबह फजर के वक्त में कुल शरीर भी इनका किया जाता है, गुसल वगैरह जो होता है वो किया जाता है। अच्छा अच्छा, मैंने सुना है कि जो इसकी पहली कमेटी थी तकरीबन उसको 40 साल कह लीजिए या 25 साल कह लीजिए, उसमें कमेटी में आप भी थे, तो उस टाइम में और इस टाइम में क्या फ़र्क है? इसको हमारे जो बुजुर्ग थे उस टाइम ये था, टीन शेड बना हुआ था इस मदरास पर, उसको शहीद करके उस कमेटी ने इसको नई तामीरी के लिए इसका इंतज़ाम किया था। उसके बाद हमारे जो बुजुर्ग बच्चे जिन्होंने किया था उसके बाद हम लोगों ने लिया था इसको, गुलशन गहर कमेटी के ही नाम से इसमें मदरास में हमने कारोबार किया था जी, जिसमें हमने टीन की छत और इसका जो तामीरी का काम था वो कराया था। लेकिन आज के और उस वक्त के दौर में जो इसका सामान आना था उसमें एक तो महंगाई का मामला जा रहा है जी, दूसरा यहाँ पर आबादी से दूर होने की वजह से इसमें लोगों की आना जाना कम रहता है और कुछ लोगों को इस मदरसे के बारे में भी मालूमात भी नहीं है, पता ही नहीं है। तो उसके लिए कई बार कोशिश की गई कि बैनर भी छपाए गए, पंपलेट भी छपाए गए, लोगों को जवानी तौर से बताया भी गया, लेकिन अब जो है वक्त हालात बदल रहे हैं, कुछ जो है मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं उस लिहाज से है, लेकिन नस्बत जो रखते हैं वो यहाँ बराबर आते हैं, हाजिर लगाते हैं और अपने मन की मुरादें या अपनी परेशानियाँ जो भी यहाँ बयां करते हैं उनका उनको उसका फ़ायदा मिलता है और वो बराबर आते हैं, उन्हीं के देर नसीब इसमें जो है काम चलाया जा रहा है, मदरसे को बनाया जा रहा है। अच्छा, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं और जो जहाँ जहाँ ये वीडियो जा रही है तो आप उनसे क्या गुजारिश करना चाहेंगे कि वो जो एक तामीर का काम चल रहा है तो इसमें वो डोनेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? देखिए डोनेशन एक तो ये वैसे कहें तो एक सामाजिक रूप से भी कहें कि सामाजिक रूप से जो भी आदमी इसमें अपना ताउन करना चाहे या कोई चंदा देना चाहे किसी तरह का या अपनी तरफ से ईंट रेता बजी वो भी अगर देना चाहे तो वो भी दे सकता है गुलशन गहर कमेटी के माध्यम से जरिए से। और इसमें जो है आप कहीं से भी दे सकते हैं, जिनके नाम मेरे जो हैं सरर साहब जो हैं वो बताएंगे आपको, अपना मोबाइल नंबर भी देंगे और इसमें अपना नाम भी बताएंगे, पथ का नाम भी बताएंगे और उसके अंतर्गत आप इसमें अपना ताउन भी कर सकते हैं और यहाँ से आएंगे आप बाई रोड भी आ सकते हैं, बाई व्हीकल आपका है उससे भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं और ये नैनीताल शहर से जहाँ पर इसका मेन रोड स्टेशन है वहाँ से तकरीबन ये 3 या 4 किलोमीटर पड़ता है जी, तो आप बाई रोड भी आ सकते हैं और बाई पैडल मार्ग जो है उसे भी आ सकते हैं जी जी। तो जो आपने मुझे मालूमात ये बताया है इसके बारे में, आपका शुक्रिया मेरे चैनल में आने के लिए। तो जैसा आप देख रहे हैं अभी हमारे तीसरे सरपरस्त हमारे आ गए हैं, तो पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। आपका नाम मोहम्मद शाकिर है। तो तकरीबन ये मैं देख रहा हूँ मजार शरीफ में जो 11वीं के चांद में जो उर्स मुबारक जो इनका आता है उसमें आप पूरा लंगर का संभालते हैं जी, जो तकरीबन आप कितने सालों से इस लंगर को संभाल रहे हैं? कम से कम मुझे ऐसे देखते हुए कम से कम 40 साल तो हो जाएंगे। 40 साल आप लंगर का पूरा संभालते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ऊपर के ऊपर पहले ऊपर सामान आता है। ये था कि हम हमारे पास बैल थे जी, तो उन पर लाते थे जी, और अब गाड़ी का साधन हो गया, अब गाड़ी का साधन हो गया उस पर लेके आते हैं जी जी, तो इसी वजह से ये लंगर शेख मजार शरीफ में उर्स जो है ये करीब चला आ रहा है। अच्छा, जैसे हाँ मैंने सुना है कि पहले गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, बैलों हाँ, के माध्यम से लाए माध्यम के लाते थे हाँ, तो उसमें लंगर में जो बनता है वो क्या क्या आइटम बनते हैं भाई? उसमें से बनते हैं चावल भी बनते हैं, तंदूरी रोटी भी बनती है, मसूर की दाल भी बनती है। अच्छा, तो आप तो मुझे लग रहा है कि आप सुबह से यहाँ आ जाते होंगे? हम तो सुबह से सहारे आ जाते, 7-8 बजे से स्टार्ट हो जाता खाना बनना। अच्छा, तो तकरीबन लंगर जो चलता है वो कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? रात के करीबन 11, 11:30, 12 बजे तक ख़त्म होता है। तो आपको तो काफ़ी मेहनत लगती होगी? मेहनत तो करनी है जब तक ये मज़ार बना है जी जी, कदीम से हमारे गुरु करते चले आ रहे हैं जी जी, वो इन्होंने हमें सिखाया बताया है, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज चलना चाहिए। तो मुझे आप ये बताइए जो आज है, आज का दौर और जो पहले का दौर है उसमें कुछ आपको लग रहा है? जमीन आसमान का फ़र्क है।
जी पहले के दौर में आपके दौर में बहुत अंतर है। चलिए मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जो यहाँ लंगर कमेटी है उसके अध्यक्ष साहब से। तो मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल वासिद। आपका नाम अब्दुल वासिद है। तो आप जो लंगर संभालते हैं, लंगर कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो आप लंगर के लिए कैसे इंतज़ाम करते हैं? बाजार से लाना पड़ता है, सब सामान खरीदते हैं, वहाँ पर गाड़ी करते हैं, फिर गाड़ी से यहाँ लाते हैं, फिर वहाँ से यहाँ नीचे लाना पड़ता है। जी लगे रहते हैं अपने, सुबह से लग जाते हैं चार से। चार सुबह चार बजे से? जी। कितने बजे तक मतलब पूरी रात? पूरी रात होता है, सुबह को होता है कुलसरी, उसके बाद जाते हैं यहाँ से। क्या क्या आम इंतजाम करते हैं? साहब ये दाल पकाते हैं, चावल बनाते हैं, सब रोटी बनती है। अच्छा, तो ये जो लंगर बनता है तकरीबन कितना बनता होगा? कम से कम बनता है। तो इसमें कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? सब जगह के लोग आते हैं। अच्छा, हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सभी आता है, सभी किस्म का आदमी आता है। जी अच्छी अच्छी। तो आप मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा आप ये देख रहे हैं, ये नौजवान लड़के हैं, युवा लड़के हैं, और ये दिल से यहाँ मजाशरी में लगे हैं, और तकरीबन जो मैं देख रहा हूँ कम से कम एक हफ्ते से यहाँ लगे हुए हैं, और ऊपर जो सामान आता है अपने पीठों पर ये लाते हैं और नीचे रखते हैं। तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा, और इसमें कुछ बच्चे भी हैं, दो बच्चे दिख रहे हैं आपको, और इनके जज्बे को दिल से सलाम है कि ये लोग भी लगे हुए हैं। और तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, मैं गुलशन गौहर कमेटी का सचिव हूँ। अच्छा, आप गुलशन गौहर कमेटी के सचिव हैं? जी। तो आप ये बताइए कि जो ये सामान आ रहा है तो आप कैसे ला रहे हैं इसको नीचे? तो बस क्या है, हाफिज़ साहब का, हमारे जो शहर पुताब है हाफिज़ अबू इस्लाम कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनका ही करम है, जो इनके जरिए हम ये सामान वामान जो भी है रेता बजरी ईंटें लेकर आ रहे हैं। जी सब इन्हीं का करम है, हमारा कुछ नहीं है। बाकी ये है कि इस मज़ार को जल्द से जल्द तैयार किया जाए किसी तरीके से। बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। पूरी यही कोशिश लगी हुई है। जी इसीलिए हम अपना काम जो भी है छोड़ गए, पहले इस काम में लगे हुए हैं अभी दिल से। बिल्कुल सब लोग ये जितने भी हमारे साथ के लोंडे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और दिल से सलाम है। और मैं उन युवा लड़कों से भी कहना चाहूँगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप देखिए कि ये लड़के किस कदर से लगे हुए हैं, क्योंकि आज आप माहौल को बाखूबी जानते हैं कि युवा लड़के किस कदर से उधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन ये लड़के जो हैं, ये लड़के दिल से इनको सलाम है कि मजार शरीफ जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये सामान जो ऊपर आता है ये सामान को लाते हैं, और इसमें अपना ज़ोर शोर से हर्ष और उल्लास से यहाँ सहयोग पूरा करते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कासिम भाई? मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक भी ये वीडियो जा रही है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनसे ये है कि नैनीताल के जो मुसलमान जो पब्लिक है यहाँ पर थोड़ा कम होने के कारण मज़ार को बनाने में दिक्कत होती है। जी तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप लोग हमारी हेल्प कर देंगे जितने भी हैं, तो हमें थोड़ा मदद मिलेगी और मज़ार भी जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा। तो हेल्प जो आप कह रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए हेल्प? मतलब कुछ तारुन करना चाहें तो कर सकते हैं? हाँ हाँ, गुम्मत जैसे हमारी रहेगी तो गुम्मत के लिए तामीरी काम जो गुम्मत का हमारा रह गया है, उसमें आप जो वीडियो देख रहे हैं सहयोग कर सकते हैं और तामीर भी करा सकते हैं। तो जैसा आप मेरे व्यूअर्स और जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, जैसा इन्होंने कहा कि ये आप यहाँ तारुन कर सकते हैं और कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, वो बाद में बताऊँगा। और दूसरे जो हैं हमारे इनको वीडियो में, तो आपने मेरी वीडियो में तो देखा ही होगा, इनका नाम है परवेज़ आलम। तो इनसे मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। तो परवेज़ भाई, आप बताइए कि आप तकरीबन यहाँ कितने दिनों से आ रहे हैं? तकरीबन इस बीच तो एक हफ्ते से हम आ रहे हैं, क्योंकि मज़ार का तामीरी काम चल रहा है, उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो सब हम नीचे पहुँचा रहे हैं अपनी वीडियो के। अच्छा, तो आप जो ऊपर से मटेरियल नीचे को ला रहे हो, किस माध्यम से ला रहे हैं, मतलब कैसे ला रहे हैं? माध्यम तो कोई नहीं है, वो सिर्फ हम अपनी पीठों में जैसे बोक के जैसे मजदूरी जैसे मजदूर करते हैं उसी तरीके से हम लेके आ रहे हैं। तो आपको इसमें कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता होगा कि आप ऊपर से नीचे ला रहे हैं? कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ता है, क्योंकि मज़ार का भी हालत ऐसी है जी, और थोड़ा पैसा भी क्या कहते हैं कमेटी के पास भी इतना नहीं है, गवर्नमेंट से भी इतनी मदद नहीं हो पा रही है। तो हम ये सोच रहे हैं कि किसी और को पैसा ना देके हम खुद ही इस बीच अगर काम पे लगे हैं तो उससे पैसा बचेगा, बचत होगी, और जो पैसा हमारा बचेगा वो गुम्बद में या मज़ार के तामीरी काम में काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो इसमें अगर ऊपर से नीचे लाते तो उसमें मजदूरी तो बहुत लग जाती है, तो ये आपकी बहुत अच्छी पहल है। यहाँ 1,000 या 2,000 से ऊपर ईंटें और 4-5 डंपर जो होते हैं बड़े वाले रेते, वो सब हमने अपनी पीठों पे सारा, जितने हमारे भाई युवा साथी हैं सब, अच्छा, जितने सब की मेहनत है जी। और ये सब रोज आ जा रहे हैं, अपना कारोबार छोड़ के आ जा रहे हैं, और ये कोविड जो इस टाइम चल रहा है कोविड के दौर में भी आ रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, और सरकार के काम को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए ये अपने इस काम के लिए यहाँ पर मौजूद हो जा रहे हैं रोज। तो बहुत बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा कहा कि आपने उसको छोड़ के ये लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ काम कर रहे हैं। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको से क्या कहना चाहेंगे? मैं
आपके व्यूवर्स जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो मज़ार है हमारे यहाँ के शहर कुतुब हैं हज़रत हाफिज़ इस्लाम साहब कादरी चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मतलब ब्रिटिश टाइम से, मतलब हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि ब्रिटिश टाइम से ये उड़ से चला आ रहा है, और क्या कहते हैं हम लोग इसमें हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो सेवा में कम से कम 50-60 सालों से, फिर उनके दादा परदादा लगे हुए हैं। अच्छा, आपकी व्यूअर से यही कहना चाहता हूँ कि जो सरकार से नस्बत रखने वाले हैं वो किसी भी ज़रिए से मदद कर सकते हैं। गुलशन गौहर कमेटी के जो हमारे सदर हैं या जो हमारी कमेटी के क्या कहते हैं जो अकाउंट है, उसमें आप जिससे भी तन धन से जिस तरीके से मदद करना चाहते हैं मदद कर सकते हैं। जी जी, वो तो बिल्कुल, मैं लास्ट में अकाउंट नंबर सारी डिटेल इनको प्रोवाइड कराऊंगा, सब दूंगा। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार के मज़ार का तामीरी काम जल्द से जल्द हो जाए और पाए तकमील तक पहुँच जाए और ये मज़ार सही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, दुआ करेंगे। और जो वीडियो जहाँ जहाँ देख रहे हैं आप लोग भी दुआ करिएगा कि ये जो गुम्मत और जो मज़ार का तामीरी काम चल रहा है जो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मैं दरगाह के अंदर आ गया हूँ और इस टाइम दरगाह का तामीरी काम चल रहा है और गुम्मत का भी तामीर काम चल रहा है। तो इस टाइम जो ये मज़ार शरीफ की जो गुलशन गौहर कमेटी है उनके कोष अध्यक्ष यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए मेरे व्यूवर्स को कि आपका क्या नाम है। वैसे पहले आप मेरी वीडियो में आ चुके हैं तो एक बार फिर से मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है और जी मैं गुलशन गौहर कमेटी में कोषाध्यक्ष हूँ जी। और जो है इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ और मैं पहले शुक्रगुजार आपका भी हूँ जिसान साहब जी कि आप हर बार वाकई में आप निस्बत रखते हैं हम लोगों से भी सरकार से भी कि हर बार आप जो है जैसी आपको मालूम होती तो आप तुरंत दौड़े चले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सरकार से यही चाहूँगा कि सरकार आपको सरकार हाफिज़ साहब बहुत नवाजें, आप बहुत आगे तक जाएँ जी। जी पूछें जिसान साहब पूछें। तो आप मुझे ये बताइए ये तकरीबन जो पहले तो मैं पूछ सका हूँ ये जो तामीरी काम चल रहा है तो ये लगभग इसको कितने महीने हो गए हैं दिन हुए? इसमें जो है पहले जो इसमें जो ये लेंटर जो आप देख रहे हैं तो ये लेंटर तो हमारा जो है करीब 6 महीने पहले जो है इसकी तामीर इसकी हो चुकी थी जी। उसके बाद में फिर दूसरा प्रोसीजर हमारा ये था ये गुम्मत जी। तो गुम्मत के लिए जो है ये देखिए आज ये जो हमारे जितने भी वॉलंटियर्स वगैरह हैं जो कमेटी के हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया है। तो ये हम ये 4-5 दिन से हम इसी को सार रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें यह है कि हम इसे नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसमें जो है किसी को बुला करके जल्द से जल्द इसमें काम शुरू कराएंगे। अच्छा, तो इसमें काम जो है जल्द से जल्द शुरू होने वाला है जी। जी तो अच्छा, आप मेरे व्यूअर से कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा जो भी देना चाहें जी, तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी सरकार हाफिज़ साहब से निस्बत रखते हैं और जो भी देना चाहें जो पुण्य का काम करना चाहें तो हमारे जो है अकाउंट में हमारा अकाउंट है जी, इंडिया बैंक में हमारा अकाउंट भी है और साथ में सरकार के यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है हमारा गुल्लक भी रखी गई है यहाँ पर हमारे द्वारा। अच्छा, तो जाहिर लोग ये जो आते हैं गुल्लक में अपना जी 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 जितना जो दिल से देना चाहे या डाल जा सकते हैं। इसमें दो चाबी हैं इसकी, एक हमारे नायब सदर साहब हैं मोहम्मद साहिद अली वारसी जी जी, और एक मेरे पास इसकी चाबी रहती है तो हम संयुक्त रूप से जब आते हैं तो तब हम इसको खोलते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जो ये नैनीताल है नैनीताल से तकरीबन ये कितने किलोमीटर की दूरी पर है? ये नैनीताल से कम ये 12 पत्थर यानी कि आप बस स्टॉप से अगर लेंगे तो कम से कम 8 किलोमीटर की कम से कम डिस्टेंस है इसकी। अच्छा, 8 किलोमीटर की नैनीताल रोडवेज स्टेशन से जी। और कालाडा इधर से अगर कालाडूंगी से आ रहे हैं तो ये बाय रोड से ही लगते हैं इसकी? जी जी बिल्कुल, रोड लगी हुई है जी जी, वहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर। अच्छा, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है उनके दिल में अगर कोई तारुण करने का वो हो रहा है कि हमको भी इस तामीरी काम में कुछ देना है तो कैसे दे सकते हैं? वो हमारे जो है जितने भी कमेटी के लोग हैं उनको दे दें, रसीद ले लें, और प्लस जो है हमारा सबसे इजी गोइंग है कि हमारा जो है बैंक अकाउंट है। अच्छा, जो बाहर जो वीडियो देख रहे हैं नैनीताल से बाहर, तो बैंक अकाउंट है आपके चैनल के माध्यम से वो अकाउंट नंबर ले लें जी, हमारे अकाउंट में डाल दें तो हम बड़े शुक्रगुजार रहेंगे। और तो और काम और इसमें एक चीज़ और कह रहा हूँ जिसान साहब, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर फाजा गरीब नवाज के जो है खादिम जी सैयद अकील जमाली जी जी चिश्ती साबरी आए थे जी जी, तो आने के बाद में भी 10 दिन पहले उनका मेरे पास कॉल आया जी जी। तो मुझसे बोलने लगे खालिद भाई कैसे खैरियत दी, उसके बाद कहने लगे मैं एक काम करना चाह रहा हूँ आपके मजाक से हाफिज़ साहब में। बिल्कुल। मैंने जी आप बताएं क्या करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है एक जो है टंकी रखने के बाद में वजूखाना बनवाना चाह रहा हूँ, वजूखाना, और उसका टोटल पैसा जितना भी इन्वेस्टमेंट उसमें होगा वो पैसा आप मुझसे लेंगे, ये काम कराएंगे आप
पैसा जो है मैं दूंगा आप। पैसा मतलब उनकी तरफ से रहे? जी जी, पूरा अजमेर शरीफ की तरफ से है, अजमेर शरीफ खादिम की तरफ से, खादिम साहब। जी जी जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो उन्होंने इस बारे में सोचा है, और हम मेरा भी मकसद ये है कि लोग इस वीडियो को देखें और कुछ करना चाहें दिल से तो वो यहाँ तारुण कर सकते हैं। जी बेशक। अच्छा तो आप मुझे ये बताइए, जो कार चल रहा है तो ये कार आपके द्वारा चल रहा है या सरकार से पैसा आ रहा है? नहीं नहीं, इसमें सर सरकार से तो इसमें कुछ पैसा नहीं आ रहा है, ये जैसे आप हैं, मैं हूँ, कमेटी के लोग और जो मानने वाले लोग हैं, तो उन्होंने ही जो है किसी ने रेता रूढ़ी सीमेंट, किसी ने हमें सीमेंट के लिए कैश कैश भी दिया। अच्छा, अपनी तरफ से हो रहा है? जी अपनी तरफ से हो रहा है, लेकिन इसका जो है पूरा एक जो है जेई के द्वारा जी एक एस्टीमेट बनाने के बाद में, तो हमने जो है श्री यशपाल आर्य जी जी अल्पसंख्यक के जो मंत्री हैं उनसे मेरी वार्ता भी हुई जी। अभी एक महीने पहले तो मैं उनसे मिला, पर्सनली भी मिला जी। तो मेरी उनसे वार्ता हुई तो कहने लगे, नहीं बेटा ऐसा है कि हम आपका पैसा एक आध महीने के अंदर रिलीज कर देंगे, करीब वो 40 लाख समथिंग है। अच्छा 40 लाख जी। तो मेरी उसके बाद में जो व्यापार मंडल जो इसके जो है अध्यक्ष हैं जी, भाजपा नगर अध्यक्ष क्या के नाम आनंद बिष्ट जी और अरविंद श्री अरविंद पटियार जी, उनसे उन लोगों से मेरी बात हुई, मेरे दोनों मित्र भी हैं जी, उनसे मेरी बात हुई। बात होने के बाद में कहने के, खालिद भाई आप चिंता ना करें, ट्रेड ऐसा हो गया लॉकडाउन का जी, जी जी, आपकी समस्त फाइलें जो है देहरादून लगी हैं जी और कुछ पैसा आ गया है, और आपका पैसा भी जल्द से जल्द जी यहाँ पर जो है आ जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए, आपने जो मुझे जानकारी दी इससे जो मेरे वीडियो देख रहे हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको बहुत खुशी हुई होगी कि उनको जानकारी मिली, उनको ये भी पता चला है कि नैनीताल में एक दरगाह है। तो मेरी वीडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो इस मजा श्रीमत तारुण में आप जो अपना योगदान दे रहे हैं कि आपके जज्बे को भी दिल से सलाम है कि आप भी लगे हुए हैं अपने रोजगार को छोड़ के, और मैं लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त करूँगा कि लोग जहाँ जहाँ देख रहे हैं तो इस दरगाह के लिए दुआ करिएगा। तो मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अब मैंने सबसे आप लोगों को मिला दिया है, और अब जो मैं मिलाने जा रहा हूँ इस दरगाह के सदर साहब हैं, तो आप पहले अपना नाम बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को। पहले मैं तो आपको मिला ही चुका हूँ अपने व्यूअर्स से एक बार, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप पहले अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम शाहिद अली वारसी है, मैं जनाब सरकार वारिस पाक से मुरीद हूँ जी, देवा शरीफ नखलव से आगे 12 पंखी है, 12 पंखी से आगे देवा शरीफ है जी, सरकार वारिस पाक से मैं मुरीद हूँ जी, वो मेरे पीर हैं, और अच्छा। मैं इस गुलशन गौहर कमेटी का सदर हूँ। अच्छा। और ये काम जो जितना हो रहा है जो सब आपकी निगरानी में हो रहा है, सब मेरी निगरानी में ये लोग काम कर रहे हैं जी। जी तो बहुत खुशी की बात है कि आपने इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि इस मजार शरीफ की जिम्मेवारी आपने अपने कंधों में ली है, और आप गुलशन गौहर कमेटी के सदर भी हैं। तो आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि आप गुलशन गौहर कमेटी के सदर हैं, तो आप जो ये काम हो रहा है किसके अंडर में, मतलब सरकार के द्वारा हो रहा है या आपके कमेटी के द्वारा हो रहा है? जी ये तो कमेटी के द्वारा हो रहा है, और सरकार से तो अभी कोई हेल्प है नहीं। सरकार से आपको कोई हेल्प नहीं मिली है? जी अभी कोई हेल्प नहीं है सरकार से, और ये हम लोग आपस में ही मिलके इस काम को कर रहे हैं जी। हमारे जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी है, नैनीताल सचिन नेगी साहब जी जी, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी है। ये लेंटर जो पड़ा है जी उन्हीं की स्वजन से पड़ा है, उन्हीं की हेल्प से ही लेंटर पड़ा है, ये आप देख रहे हैं सामने जी जी जी, जी। और ये उससे पहले हमारी सरिता आर्या जी थी, सचिन नेगी जी से पहले हमारी सरिता आर्या हमारी दीदी थी जी जी जी, उन दीदी के हेल्प से भी ये वाला लेंटर पड़ा है जी जी, जी। उनके वक्त पे ये लेंटर पूरा उनके वक्त पे पड़ा है। अच्छा, जो सरिता आर्या जी, सरिता आर्या विधायक जो थी, विधायक जो थी जी जी जी, उनके उससे पड़ा है। और हमारे किशन सिंह बोहरा जी जो इस दुनिया में अब नहीं है जी, उनकी हेल्प से ये पीछे का लंगर खाना बना है हमारा सारा। अच्छा। किशन श्री किशन सिंह जो थे वो भी विधायक थे। अच्छा जी, वो मेरे पड़ोस में ही रहते थे। अच्छा, आपके घर के पास रहते जी जी। तो अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पहले भी मैं जान चुका हूँ, लेकिन जो जो ये उर्स, इनका उर्स मुबारक आता है, किस चांद में आता है? ये 11वीं के चांद में होता है, बड़े पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी जी ने बड़े पीर साहब बोलते हैं जी, और गौसे आजम जी ने बोलते हैं जी, उनका जो 11वीं शरीफ होती है उसके चांद में 27, 28, 29 में हमारे किबला हाफिज ज़हूरुल इस्लाम साहब का उर्स होता है जी, और 2 दिन का शहर में होता है और 1 दिन का पूरी रात यहाँ होता है। अच्छा, तो जैसे आज मैं आया था और मैंने जो ये काम देखा है कि यह गुम्मत का तामीर का काम चल रहा है, तो ये कितने दिन में लगभग पूरा हो जाएगा? ये पूरा होने में तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 महीने में पूरा हो जाएगा। सिर्फ अभी जो कमी है हमारे पास वो सिर्फ पैसों की कमी है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा कमी है, लॉकडाउन की वजह से भी कमी है,
और बाकी हमारा सामान सब कुछ आ चुका है, बस खाली ये है कि इसको तामीर कराना है, उसके लिए पैसा हम लोग अभी नहीं जुटा पा रहे हैं। अच्छा, और मेरी गुजारिश है सबसे कि जो भी देना चाहते हैं वो हमारे जो कमेटी का अकाउंट है उसमें डाल सकते हैं, और अभी बाहर हमारे नंबर लिखे हैं उसमें भी आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, जो बाहर नंबर लिखे हैं जी जी उसमें भी दे सकते हैं? हाँ, मेरे नंबर भी लिखे हैं, खालिद भाई हमारे, उनके नंबर लिखा है। जी जी बिल्कुल, वो जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो के अब जैसा भी आप तारुण करना चाहें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग बैंक जाना पसंद नहीं करते हैं, तो आजकल ऑनलाइन का भी जमा वो चल रहा है, तो आप गूगल पे भी कर सकते हैं। गूगल पे भी कर सकते हैं जी, तो गूगल पे भी कर सकते हैं, तो वो भी नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जी जी गूगल पे भी। आप मुझे ये बताइए, जो मजार शरीफ से नैनीताल से अभी जैसे मुझे बताया पहले कि 8 किलोमीटर की दूरी पर, तो वो कैसे आते हैं लोग यहाँ तक? ये इसके दो रास्ते हैं, एक तो गाड़ी पूरी यहाँ तक आ जाती है ऊपर तक जी, ये यहाँ से कम 1 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ से पैदल ही आना पड़ता है नीचे जी। 1 किलोमीटर ऊपर तक तो गाड़ी आ जाती है जी, और 12 पत्थर से नीचे को पैदल आदमी आ सकता है जी जी। और जैसे मैंने सुना है कि आप यहाँ के पगड़ी बंद भी हैं, आप एक कव्वाली में जाने वाले हैं, आप एक कव्वाल हैं जी, और मैंने ये आपको सुना है, तो आप बहुत अच्छे अच्छे कलाम पेश करते हैं जी, तो आप यहाँ के पगड़ी बंद भी हैं, तो जो सरकारी चादर जो इसकी चढ़ती है उसका तकरीबन टाइम क्या है चढ़ने का? सरकारी चादर का वक्त ये है कि 2 बजे के बाद हम शहर से चल देते हैं चादर लेके जी, और असर मगरिब के बीच में यहाँ पे चादर चढ़ा देते हैं। असर मगरिब में चादर चढ़ती है, 7 बजे लंगर शुरू कर देते हैं, 11-12 बजे लंगर खत्म कर देते हैं, फिर पूरी रात यहाँ महफिल शमा होती है। अच्छा, और हर मजहब का आदमी यहाँ पे आता है। अच्छा, हर मजहब का आदमी यहाँ पे आता है जी। जो सरकारी चादर चढ़ती है तो किसके द्वारा पेश होती है, कमेटी के द्वारा या लोगों के द्वारा? नहीं, वो कमेटी के द्वारा पेश होती है। वो कमेटी के द्वारा जी। और उसमें कुछ चादर में कोई पैसा देना चाहे? हाँ, वो दे सकता है, आपस में हम कमेटी वाले करते हैं, और जो बाहर का भी अगर देना चाहे तो वो उस पैसे उसको चादर में मिला सकता है। अच्छा अच्छा, तो मैं ये जैसा मेरी वीडियो में आपने जो मुझे जानकारी दी है, तो मेरे व्यूअर्स ये जानकारी से खुश होंगे और उनको पता चला होगा कि यहाँ पे एक मजार शरीफ है। तो मेरा वीडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि मैंने आज सबके इंटरव्यू लिए हैं, और मैं आज यहाँ आया था, आज संडे का दिन है, और तकरीबन इस टाइम जो बज रहे हैं 4 से 5 बज रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गुम्मत जो यहाँ तामीरी काम चल रहा है, और लड़कों जिन जिन से मैंने आपको मिलाया है उनके जज्बे को सलाम है कि वो लोग लगे हुए हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि ये दरगाह है, ये देख सकते हैं आप, और इसका तामीरी काम चल रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये जो सामान देख रहे हैं आप, ये सब लड़कों द्वारा ही लाया गया है, जिनसे अभी मैंने आपको मिलाया है, सब अपने अपने कंधों पर ला रहे हैं ये सामान को, ये आप सामान देख सकते हैं, और इसका तामीरी काम चल रहा है। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि लोगों को पता चले कि नैनीताल में दरगाह है, और इनका उर्स मुबारक इस टाइम पे आता है, 11वीं के चांद में आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग देना चाहें, दिल से कुछ भी तारुम करना चाहें, हेल्प करना चाहें, तो वो मेरा जो है अकाउंट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे लिंक मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप गूगल पे करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना कि हम गूगल पे करना चाहें, तो मैं अपना नंबर प्रोवाइड उसमें कर दूंगा। तो आज की मेरी वीडियो यहीं पे एंड होती है, यहीं पे समाप्त होती है, और उम्मीद करूंगा कि आगे भी मैं आऊँ और आगे भी इस दरगाह से आपको रूबरू कराऊँ। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई है, और जैसा मैंने आपको जानकारी दी है, तो उम्मीद करूंगा कि ये जानकारी से आप लोगों को कुछ राहत तो मिली होगी, और जहाँ जहाँ मेरी ये वीडियो जा रही है वो लोग अगर कुछ देना चाहें तो उसका अकाउंट नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और गूगल पे का नंबर भी मैं आपको दे दूंगा। और जहाँ जहाँ मेरी वीडियो जाती है, बार बार जाती है, तो आप लोग भी कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।